press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. करना धरना कुछ नहीं, धरना करना है, बस इतनी सी बात है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो तीन मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। तीनों बातों का सच आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि यही बात झूठ है कि एलजी उनको टाइम नहीं दे रहे। कल 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक एलजी की और केजरीवाल की मीटिंग चली है, और मीटिंग खत्म होने के बाद जब बाहर निकले केजरीवाल तो घर से बाहर निकलने की जगह वेटिंग रूम में धरने पर बैठ गए और तब से बैठे ही हुए हैं। यानी ऐसा किया है कि आज के बाद शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं देगा, क्योंकि आप जिसके घर अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग करने जाओगे उसके बाद उसी के घर में पसर जाओगे, वहां से बाहर ही नहीं निकलोगे। दूसरी बात जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल क्लियर की जाए। डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल एलजी के पास है ही नहीं। डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल है केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के पास पिछले 3 महीनों से। जी हां, 90 दिन से फाइल इमरान हुसैन जी के पास पड़ी है, तो एलजी साहब उस फाइल को पास कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आईएएस अफसर जो है वो अपनी हड़ताल खत्म करें। दिल्ली में आईएएस अफसरों की कोई हड़ताल नहीं चल रही। सारे अधिकारी सुबह से लेकर रात तक दफ्तर में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, विधानसभा में हमने सबने देखा अफसरों को बैठे हुए और जवाब देते हुए, जो भी मंत्री महोदय उनसे जवाब मांग रहे थे। तो दिल्ली में कोई हड़ताल है ही नहीं। हाँ, जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुख्य सचिव को आपने मारा था, उसकी आप माफी मांग लीजिए। तो केजरीवाल जी, अगर आप गडकरी से, मजीठिया से, जेटली से माफी मांग सकते हैं, तो दिल्ली वालों के लिए मुख्य सचिव से भी माफी मांग लीजिए। ये झूठ फैलाना बंद करें और काम पे लौटे। दिल्ली में पानी का काम करना बहुत जरूरी है।